Hello kids, this is Mentor Neetu. We are doing Mathematics Whirlwinds Class 7 by Brain Root. So today we are starting Chapter 1, Integers. So, Integers, very interesting chapter. So let us start. Now, getting ready, you have seen this picture, I think, this one. Scuba diving is the best way to explore the amazing underwater world. Gear for modern scuba diving is made up of one or more gas cylinder and the buoyancy control device, BCD. The BCD is an inflatable jacket that controls the buoyancy by adding or releasing air. Buoyancy is a साइंटिफिक वर्ड, साइंस में आप पढ़ेंगे इसके बारे में या पढ़ चुके होंगे. इसमें जब हमारी बॉडी वाटर में जाती है, कैसे फ्लोट करना है, कितना फ्लोट कर रही है, कितना नीचे आ रही है, दैट इज द बंसी. ओके, द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द डीपेस्ट स्कूबा डाइविंग इज 332 meters 35 centimeters. अब तक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, मतलब इतनी डेप्थ तक जा चुके हैं. Right, so it's very interesting, but इसके लिए पहले हमें थोड़ा experience होना चाहिए. We have to learn it, right? So look at the scuba diver. He is 5 meters below sea level and will dive 2 times deeper. So key question: how deep will they dive? How will you find it? So it's like, you know, हर एक चीज जो भी हम mathematics करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होती है. तो इसके बेस पे हम आज एक चैप्टर करने जा रहे हैं, दैट इज़ इंटीजर्स. सो इंट्रोडक्शन. इन क्लास 6 वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इंटीजर्स एंड देयर नीड इन प्रीवियस क्लास. लेट अस रिवाइज इट वंस अगेन. हमने 6 क्लास में भी किया है, अब थोड़ा सा इसको हम ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हैं. सो लेट अस सी. Integers, the set of whole numbers along with the numbers -1, -2, -3 is called the set of integers. जब हम whole numbers यानी 0, 1, 2, 3 के साथ negative number जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है? Integer. So this set is denoted by I or Z, capital I or Z, और इसको हम ऐसे लिखते हैं curly bracket की help से. उसमें हम कुछ नंबर्स शो कर देते हैं. द नंबर्स जो नेगेटिव साइन वाले हैं, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. एंड द नंबर्स विद प्लस साइन, दीज आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स. और जो जीरो है हमारा, दैट इज नीदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव. इसका कोई साइन नहीं होता. Now, absolute value of an integer. The absolute value of an integer is the numerical value of an integer regardless of its sign. Absolute value क्या होती है? उसके सिर्फ number, right? It is denoted by the symbol 2 vertical lines. The absolute value of an integer is either 0 or positive. जैसे absolute value of -3 है, this is what? This is 3. अब यहाँ पे 8 - 9 है, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, इट इज -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1. ऐसे 6 - 6 क्या हो जाएगा? 0. इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी? 0. सो ऑल्सो द कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स हैव द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू. ओके, सो बी श्योर. 0 इज एन इंटीजर विच इज नीदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव. सिर्फ एक नंबर है जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, दैट इज 0. वी कैनॉट फाइंड द ग्रेटेस्ट और द स्मॉलेस्ट इंटीजर. हम ये नहीं बता सकते कि स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है या ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, बिकॉज दीज आर इनफाइनाइट, नो लिमिट. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. द नेक्स्ट इज like for example, absolute value of 7, that is 7, and absolute of -7, that is also 7. तो चाहे positive हो चाहे negative हो, उसकी absolute value क्या हो जाएगी? That would be same. Now ordering of integers. Integers and whole numbers follow the same rule in their ordering when they are represented on a number line. That is an integer represented to the right of any integer is greater than integer on the left and vice versa.
अब हम ऑर्डर कैसे करेंगे, कैसे उसको अरेंज करेंगे। नंबर लाइन आपने देखा होगा, हम जीरो लेते हैं सेंटर में, और जो इसके राइट साइड में हम लेते हैं दोज आर पॉजिटिव, और जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं दोज आर नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं जितना हम राइट साइड में जाते जाएंगे नंबर जो है इंटीजर जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे 3 इज बिगर देन 2, 4 इज बिगर देन 3, ओके, 5 इज बिगर देन 4, ऐसे आप कह सकते हैं 5 इज बिगर देन -1, या इधर आएंगे तो हम इधर कह सकते हैं कि -2 इज स्मॉलर देन -1, -3 इज बिगर देन -2, ओके। सो फ्रॉम द अबव फिगर इट इज क्लियर दैट फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर टू द राइट ऑफ जीरो देर इज अ नेगेटिव इंटीजर टू द लेफ्ट ऑफ जीरो placed at the same distance from zero. हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए एक नेगेटिव इंटीजर है सेम डिस्टेंस पर फ्रॉम जीरो, ओके। राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है, तो हर एक जो पॉजिटिव इंटीजर है राइट साइड पे उसका एक नेगेटिव इंटीजर है लेफ्ट साइड पे, राइट, और सेम डिस्टेंस पे। Now B part, 0 is greater than every negative and 1 is less than every positive integer. 0 जो है वो हमेशा negative number से, negative integer से बड़ा होता है और positive integer से छोटा होता है, और जो 1 है, 1 is a positive integer, वो सबसे छोटा है, okay, बाकी positive integer से। Now every positive integer is greater than every negative integer. It's very much clear. Positive number जितने भी होंगे वो सारे negative number से बड़े होंगे. Okay? Now info bit, some information is given over here. Every positive integer is greater than every negative integer. Again, they are saying the same thing. And zero is less than every positive but greater than every negative. जीरो हमेशा पॉजिटिव से छोटा होगा लेकिन नेगेटिव से बड़ा होगा, ओके। ये चीजें आपने सिक्स क्लास में की होंगी, राइट। नाउ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, यूज द फॉलोइंग रूल्स टू ऐड टू इंटीजर्स। A part, when the two integers have the same sign, means both positive or both negative, add the absolute value of the integers and give the common sign to them. Plus 2 है, plus 3 है, दोनों को add कर देंगे उनकी absolute value और answer is plus 5. Minus 2 है, minus 3 है, जब दोनों को add करेंगे उनकी absolute value add कर दो 5, but sign is -5, okay. Now B part, when the two integers have opposite sign, one positive and one negative, find the difference of their absolute value and to the difference assign the sign of the integer having greater absolute value. अब दो integer है, suppose एक 3 है और एक -5 है, अगर डिफरेंट साइन है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो इनको कैसे ऐड करना है हमें? आपने क्या करना है, जो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसकी 3 है और इसकी 5 है, उनका डिफरेंस फाइंड कर लो। डिफरेंस इज 2, आपके पास क्या आएगा 2, बट साइन हम कौन सा देंगे, जो ग्रेटर इंटीजर है, यानी 5 इज ग्रेटर हियर तो दिस इज -2। तो जब आप 3 और -5 को ऐड करेंगे तो आंसर इज -2। आई होप इट्स क्लियर टू यू। देखो जब सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, आपने क्या करना है, सिंपल एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करना है, और अगर पॉजिटिव है तो प्लस में आंसर आएगा और अगर नेगेटिव है तो माइनस में। बट अगर एक का साइन प्लस है और एक का साइन माइनस है तो दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस फाइंड कर लो, और जो भी बिगर है उसका साइन आंसर में लगा दो, सिंपल, ओके। सो सी सम एग्जांपल्स, इट वुड बी मोर क्लियर टू यू। फर्स्ट ऐड +14 एंड +23। अब ये दोनों क्या हैं, दोनों प्लस के हैं, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड की 14 एंड 23, दोनों को ऐड कर दिया 37, दोनों प्लस में है तो आंसर इज 37 ओनली, ठीक है, सिंपल।
same sign tha. Now B part minus 5 and minus 17. Minus 5 ki absolute value kya hai? 5. और माइनस 17 की 17, दोनों को ऐड किया 22, दोनों माइनस में है तो आंसर इज माइनस 22. ओके, नाउ एग्जांपल टू ऐड माइनस 13 एंड प्लस 6, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आप क्या करेंगे? डिफरेंट साइन है, पहले दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो, 13 एंड 6 दोनों को डिफरेंस कर दो, दोनों को माइनस कर दो, दैट इज 7. 13 माइनस 6 इज 7. ओके, और बिगर कौन सा है? 13 इज बिगर, तो आंसर इज माइनस 7. ऐसे ही आपके पास क्या है? माइनस 15 एंड 7, माइनस 15 एंड प्लस 7. माइनस 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई 15 और प्लस 7 की 7, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 8. 15 इज बिगर, तो आंसर इज माइनस 8. Okay, इसको हम कैसे लिखेंगे? माइनस 15 प्लस 7, तो दैट इज माइनस 8. फाइन, राइट? आई होप इट्स क्लियर टू यू. जब आप और क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, द कॉन्सेप्ट वुड बी मोर क्लियर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर. यूज द फॉलोइंग रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर बी फ्रॉम इंटीजर ए, we add the opposite of b to a. अगर हम b को a में से माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब हम b का जो अपोजिट है वो ऐड कर रहे हैं a में. So it means to subtract an integer, add its additive inverse, yani opposite. So every subtraction problem may be regarded as addition problem. See here examples. Example 3, subtract plus 7 from minus 19. Plus 7 को हमें minus 19 में से minus करना है. तो आप क्या करेंगे? पहले minus 19 लिखेंगे, then minus का sign subtraction के लिए, और plus 7 को we will write in bracket because we never write two sign together. इसलिए हमने इसको क्या लिया? Bracket में ले लिया. ठीक है? अब आपको पता है कि इसमें क्या आएगा आपके पास? जब माइनस साइन बाहर होता है ब्रैकेट के और ब्रैकेट में अंदर प्लस हो, तो इट रिमेन्स माइनस ओनली. तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस 19 माइनस 7. अब दोनों का साइन क्या है? सेम. सेम साइन में हम करते हैं एडिशन और आंसर इज नेगेटिव, तो आंसर इज माइनस 26. राइट? नाउ हियर माइनस 6 फ्रॉम 18 प्लस 18. तो आपने क्या किया यहाँ पर? प्लस 18 माइनस माइनस 6. ओके, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? प्लस 18 प्लस प्लस 6. आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वी आर एडिंग अपोजिट ऑफ माइनस 6 टू प्लस 18. यानी माइनस 6 का अपोजिट क्या है? प्लस 6. तो हम प्लस 6 को 18 में ऐड कर रहे हैं. और आप ये भी कह सकते हैं कि जो माइनस माइनस, अगर माइनस ब्रैकेट के बाहर हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो इट वुड बी प्लस. तो 18 प्लस 6 दैट इज 24. आपको जैसे समझ आता है यू कैन डू. आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो भी नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका अपोजिट हमें ऐड करना है. ठीक है? तो माइनस 6 का अपोजिट क्या है? प्लस 6. तो प्लस 6 को आप 18 में ऐड कर दो. और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये चीज़ भी आप हायर क्लासेस में करेंगे कि अगर माइनस साइन किसी ब्रैकेट के बाहर होता है तो हमें क्या करना होता है? साइन को चेंज करना होता है. तो माइनस 6 हमारा क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली प्लस 6. तो आंसर इज 24. आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ सम कॉन्सेप्ट हाईलाइट. ऑल होल नंबर्स विद negative of natural numbers are called integers, such as minus 3, minus 2, 0, 1, 2, 3, etc. If a is greater than b, अगर हम negative ले लेंगे तो उल्टा हो जाएगा. minus a is less than minus b. जैसे आप देखो 3 is bigger than 2, अगर हम दोनों का negative ले लेंगे तो minus 3 is less than minus 2. Next point, the absolute value of an integer, its numerical value regardless of its sign, such as absolute value of minus 13 is 13 and absolute value of minus 20 is 20.
When we add two integers of same sign, then we add their numerical value and give the sign of the addends to the sum. And when we add two integers of unlike sign, means different sign, then we take difference of those and put the sign of the integer having the greater absolute value. Okay, for any two integers a and b, a minus b ka matlab kya hai? A plus bracket minus b. Okay, a and minus a are additive inverse of each other. Right, now the next is exercise 1.1. There are some questions you can try. Like the first one, describe the following statements by using positive or negative numbers. Like here, a part the height of a hill which is 5000 meter above. अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव काउंट करते हैं. सो दिस इज प्लस 5000 मीटर. वॉकिंग 10 यार्ड्स बैकवर्ड्स मींस माइनस 10. बैकवर्ड मींस पीछे जाना, तो माइनस. 4 आवर्स आफ्टर द ट्रेन लीव्स द स्टेशन मींस और 4 आवर्स, मोर 4 आवर्स मींस प्लस 4. सो लाइक दिस यू कैन राइट विद प्लस और माइनस साइन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. Now second one, write the value. Here you have to find the absolute value. It is 13, it is 23. How we can do this? 17 minus 25, pehle isko solve karenge, that is minus 8 and answer is 8. Fine. Similarly third question hai, arrange these integers in ascending order. Aap arrange kar sakte hai, you have done in previous class. Now fourth one, arrange in descending order. This one also you can try on your own. Now fifth one, like B part hai, minus 8 plus minus 15. तो आपके पास क्या आएगा? ये दो आपके पास integer है with the same sign, negative sign. तो दोनों को हम क्या कर देंगे? Add, यानि 23 और sign क्या आ जाएगा? Minus 23. यहाँ पे क्या है? माइनस 19 माइनस माइनस 17, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? माइनस 19 प्लस 17. और ये भी आपको पता है कि माइनस 17 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी उसका इनवर्स हम ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या बनेगा? प्लस 17. तो आपके पास आ गया माइनस 19 प्लस 17. दोनों का डिफरेंट साइन है. डिफरेंट साइन में क्या करना है? उनका डिफरेंस लेना है. डिफरेंस आ गया 2 और 19 बिगर है, तो आंसर इज माइनस 2. ओके, सिमिलरली यू कैन ट्राई सिक्स क्वेश्चन. यू कैन कंपेयर द नंबर्स. नाउ हियर सब्जेक्ट इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 7. सी वेव्स कॉज अ सर्टेन कोस्ट लाइन टू डिमिनिश एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर ईच ईयर. दिस अकर्स अनइंटरप्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स. Which integer represent the reduction of coastline in 6 years? So these are based on life skills question. You can try on your own. Okay. Now we are talking about multiplication of integers. We know that multiplication is a repeated process of addition. For example, 3 into minus 2. Yani minus 2 ko 3 times add karna. So that is what? That is minus 6. और आप कैसे कर सकते हैं? माइनस 3 इंटू 2, दैट इज माइनस 6. ओके, माइनस 2 इज एडेड 3 टाइम्स. हियर वी ऑब्जर्व दैट द टू इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड बाय रिपीटेड एडिशन. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, लाइक माइनस 3 इंटू 4. यानी माइनस 3 को 4 टाइम्स ऐड करना, तो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये माइनस 12. So suppose the integers used are of larger value, then this process of repeated addition becomes time consuming. Suppose यहाँ पे minus 3 into 25 है, तो उसको बार बार 25 times लिखना, it's not possible, it's very time consuming. Okay, so इसके लिए हमने एक formula बनाया है. So there are some rules, so let's see. Rules of multiplication of integers. Number 1, when the integers are of unlike sign, जिन integers को हम multiply कर रहे हैं उनका sign different है, then what to do? Find the product of absolute value of the integers and put a minus sign in front of the product.
अगर एक प्लस का है एक माइनस का है तो आंसर क्या होगा, माइनस. लाइक 2 × -3 -6, -5 × 4 5 × 4 = 20 -20. When the integers are of like sign, means अगर साइन सेम है, find the product of the absolute value of the two integers and put a plus sign in front of the product. अगर हम सेम साइन के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होगा, प्लस. लाइक 3 × 3 +9 -5 × -6 +30. ओके, सो बी श्योर वी समराइज द रूल्स एज फॉलो. हमने रूल्स कैसे बनाए, अगर हम प्लस प्लस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर इज प्लस, और अगर हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी आंसर क्या होगा हमारा, प्लस. अगर हम एक माइनस है और एक प्लस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर इज माइनस. डिफरेंट साइन मीन्स माइनस. और एक प्लस का है और सेकेंड वाला माइनस का है तो आंसर इज माइनस. मीन्स सेम साइन प्लस, डिफरेंट साइन माइनस. ओके, सो वी हैव लर्न दैट मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन. सो वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स यूजिंग रिपीटेड एडिशन मेथड. सी हियर फॉर एग्जाम्पल, +3 × +4 वही जैसे अभी आई टोल्ड यू, मतलब मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, रिपीटेड एडिशन. तो ये 4 times हम उसको लिख सकते हैं +3 को, सो आंसर इज 12. -3 × +4 यानी -3 को 4 times ऐड कर दो तो दैट इज -12. सो ऑन द नंबर लाइन, अगर हमें नंबर लाइन पे इसको करना हो तो हम इसे कैसे करें. यहाँ पे क्या है, +3 × +4 यानी जो +3 है वो 4 times जंप कर जाएगा. लाइक दिस 3 steps +3 यानी 3 पे आ गए, फिर 6 पर आ गए, फिर 9 पर आ गए और फिर 12 पे. तो आंसर इज +12. और अगर -3 × +4 था यानी -3 यानी 3 steps बैकवर्ड, तो 3 steps पीछे जाना है हमें 4 times यानी पहले -3 पे, फिर -6 पर, फिर -9 पर और फिर -12. तो आंसर इज -12. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन. Properties of multiplication of integers are similar to the properties of multiplication of whole number. The first and closer property. If a and b are two integers, then a × b is also an integer. अगर हम दो integers को multiply करते हैं तो हमारा answer भी क्या होगा, हमेशा एक integer. तो इसको हम क्या बोलेंगे, closer property. The second one, commutative property. Means a × b = b×a. Means हम जैसे मर्जी multiply कर लें, जैसे 2 × 3 = 6 है, या 3 × 2 करें वो भी 6 होगा. Okay, so this property is the commutative property. We can change the order of the numbers. 3 × -4 करें या -4 × 3, answer is -12 only. Associative. एसोसिएटिव हम अप्लाई करते हैं 3 integers में, 3 numbers में. a × b × c यानी पहले हमने 2 को मल्टीप्लाई किया फिर 3rd से किया, या फिर पहले लास्ट के 2 को मल्टीप्लाई करके फिर 1st से करोगे, सो आंसर इज सेम. ओके, या 1st एंड लास्ट को करेंगे फिर 2nd से करें. मीन्स वी कैन चेंज द ऑर्डर, हम जैसे मर्जी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, आंसर वुड बी सेम. You can see example 5 × -4 × -3. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -20 × -3 आ जाएगा, दैट इज 60. ऐसे आप इसको कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो 60. नाउ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, 4th one. इफ a इज एन इंटीजर, a × 1, 1 × a = a. आइडेंटिटी मीन्स उसकी पहचान, नंबर जो है वो सेम रहता है अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स. सो -3 × 1, 1 × -3, आंसर इज -3. नाउ 5th property, 0 property. इफ a इज एन इंटीजर, a × 0 और 0 × a, दैट इज 0. फॉर एग्जाम्पल, -101 × 0
या 0 इंटू माइनस 101 करेंगे, आंसर इज 0 ओनली. नाउ 6-1 मल्टीप्लीकेशन बाय माइनस 1. इफ ए इज एन इंटीजर, अगर हम किसी इंटीजर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका नेगेटिव. सो टू फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर वी मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1. तो माइनस ए क्या है, ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 3, माइनस 4 इंटू माइनस 1 दैट इज 4. ओके, नाउ द 7th वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इफ ए बी एंड सी आर इंटीजर्स देन ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू, हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, या फिर ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी. ऐसी कुछ एग्जाम्पल है आपके पास, लाइक माइनस 3 इंटू 4 प्लस माइनस 3. आप इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, यू आर गेटिंग 1. सो माइनस 3 इंटू 1 आंसर इज माइनस 3. और आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, माइनस 3 इंटू 4 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 3. सो माइनस 12 प्लस 9 आंसर इज माइनस 3, राइट. नाउ सी एग्जाम्पल 3. अ सबमरीन इज डाइविंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वॉटर एट द रेट ऑफ 70 फिट पर मिनट. वॉट इज द डेप्थ ऑफ द सबमरीन आफ्टर 5 मिनट्स. एक मिनट में 70 फिट नीचे जा रही है, मीन माइनस 70 इन 1 मिनट. तो 5 मिनट्स में 5 इंटू माइनस 70 दैट इज माइनस 350 फिट. सो डेप्थ ऑफ द सबमरीन आफ्टर 5 मिनट इज 350 फिट, राइट. नाउ साइन ऑफ प्रोडक्ट. वी नो दैट टू इंटीजर्स ऑफ द सेम साइन गिव अ पॉजिटिव प्रोडक्ट, वेयर एज टू इंटीजर्स विद द डिफरेंट साइन गिव अ नेगेटिव प्रोडक्ट. Therefore, when two or more integers are multiplied together, अब दो या उससे ज़्यादा integers को multiply करें तो the product is negative when the number of negative integer is odd. अगर number odd हैं, मान लो 5 हैं या 7 हैं या 9 हैं और negative हैं, तो product is negative. And the product is positive when the number of negative integer is even. और सपोज 8 नंबर्स हैं, वो सारे नेगेटिव हैं, तो आंसर इज प्लस. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप इन माइंड. नाउ एग्जांपल्स, एग्जांपल 4, माइनस 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2. आप देखो नंबर कितने नेगेटिव हैं, 1, 2, 3 नेगेटिव हैं, तो आंसर हमारा माइनस होगा. और इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 3, 4, 12, 36, 136 इंटू 272 माइनस 72. द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज ऑड, देयरफॉर प्रोडक्ट इज नेगेटिव. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. आउट ऑफ 6, 1, 2, 3, 4 आर नेगेटिव. 4 नेगेटिव है, यानी आंसर हमारा पॉजिटिव ही होगा. तो आपने क्या करना है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो सिंपली रफ में, आंसर इज 2160 दैट इज पॉजिटिव. Because number of negative integer is even, therefore the sign is positive. I hope it's clear to you. Okay, now check yourself. The first one match the following A and B. You can try on your own this one. And the second one, state the sign of products without actually multiplying. Bina multiply ki aap iska sign batao, plus ya minus. Isme aap dekho A part mein 1, 2, 3, 4 negative hai. तो आंसर इज प्लस. सी पार्ट में देखो 1, 2, 3 नेगेटिव है, तो आंसर इज माइनस. ई पार्ट में 1 and 2 नेगेटिव है, तो आंसर इज प्लस. वेरी इजी. नाउ कॉन्सेप्ट हाइलाइट्स, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर ऑफ सेम साइन देन वी मल्टीप्लाई देयर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड पुट पॉजिटिव साइन. And when we multiply two integer of different sign, then we multiply their numerical value and put negative sign. The quotient of two positive or negative integer is always
positive. And the quotient of one positive and one negative integer is always negative. Okay? So, so now come to exercise 1.2, question number 1, find the products. Like A part, 6 into minus 4 into 3. So, 6 fours are 24 into 3, 72. But one number is minus, so yahan pe kya aa jayega? Minus 72. Now come to E part, 0 into minus 3 into minus 2, 71. So, ye kya ban jayega hamara? 0. Okay, now second question, using the distributive law, simplify the following. Ab hume isme kya use karna hai? Distributive law. Like B part, minus 546 into minus 22 plus minus 546 into minus 78. Toh ab aapko isme common dikh raha hai minus 546. तो हम कॉमन ले लेंगे माइनस 546 आउटसाइड द ब्रैकेट और अंदर क्या बचेगा फर्स्ट टर्म के पास 22 और सेकंड टर्म के पास प्लस माइनस 78 तो ये क्या आ जाएगा माइनस 78 अब हम सिंप्लीफाई कर देंगे ब्रैकेट को तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 546 इनटू माइनस 100 राइट So, because minus minus plus hai, but sign would be minus only. So, minus 546 into minus 100, that would be plus 54600. Right? Similarly, like D part, you can see, D part mein hum kya kar sakte hai? 673 into 272, minus 673 into 72 aapke paas hai. तो हम क्या करेंगे इसमें 673 कॉमन ले ले 272 माइनस 72 इज लेफ्ट इन द ब्रैकेट फर्स्ट टर्म के साथ 272 आ जाएगा और सेकंड टर्म में माइनस 72 तो 272 माइनस 72 यू नो वेरी वेल दैट इज 200 तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सो व्हाट वुड बी द आंसर 134600. Okay, so like this, you can try remaining parts. Now, the third question, state the sign of the product if A, B, C, D are positive integer. Ab hume sirf product ka sign batana hai ki plus hoga ya minus hoga. Jaise B part hai, isme kya hai? A, B, C, minus D, minus E, minus F. कितने negative integer हैं? 3. तो इसका मतलब sign हमारा क्या होगा? Negative. Because अगर minus odd number of times आता है, तो answer would be minus only. और अगर minus even number of times आता है, तो answer would be plus. Right? So, अब जैसे आप ये देख सकते हैं, D part, 31 negative integer and 2 positive integer. 31 odd number, 31 negative है और 2 positive है, तो answer क्या होगा हमारा? Minus only, okay? So like this you can find the sign of the product. Now fourth question, filling the empty boxes with the symbol greater than, less than or equal to sign, like A part कैसे solve करेंगे? यहाँ पे क्या है? 6 plus 3 into 11, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये क्या बन जाएगा 6 plus 33 यानी 39 नाउ कम टू दिस साइड 6 plus 3 9 into 11 ये क्या बन जाएगा 99 सो दिस इज ग्रेटर राइट ऐसे आप ई पार्ट कर सकते हैं 11 into 2 plus 3 3 into 2 plus 1 यहाँ पे क्या आएगा 22 plus 3 यानी 25 और यहाँ पे क्या आएगा 6 plus 1 यानी 7 so 25 is bigger so like this you can try remaining parts now similarly fifth question find the value like here B part में आप देख सकते हैं बाकी integers हैं और एक zero है और अगर हम जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज ऑलवेज जीरो अब आप डी पार्ट में देखो -2 -2 1 2 3 4 5 6
तो 6 टाइम्स नेगेटिव साइन है तो आंसर वुड बी प्लस. तो आप 2, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 32, 2 ज़ा 64. सो आंसर इज प्लस 64. सो लाइक दिस यू कैन ट्राई रिमेनिंग क्वेश्चन. ओके सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. Now, division of integers. We know that division of whole number is the inverse of multiplication. That is 6 into 7, 42. Then 42 divided by 7 is 6 and 42 divided by 6 is 7. So, this is true for integers also. अगर हम 6 इंटू माइनस 7 आएगा तो हमारे पास माइनस 42 आएगा. यानी अगर माइनस 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 7, और माइनस 42 को अगर हम माइनस 7 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 6. सो वी देयरफॉर नोट दैट इफ द डिवाइजर एंड डिविडेंड आर ऑफ द सेम साइन देन द आंसर इज पॉजिटिव. अगर दोनों प्लस प्लस के हैं तो आंसर इज पॉजिटिव. अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर इज पॉजिटिव. एंड इफ द डिवाइजर एंड डिविडेंड आर ऑफ डिफरेंट साइन देन द आंसर इज नेगेटिव. सो देयरफॉर द रूल सेम साइन पॉजिटिव, अपोजिट साइन नेगेटिव. सो नाउ बी श्योर वी समराइज द रूल्स. प्लस डिवाइड बाय प्लस इज प्लस, माइनस डिवाइड बाय माइनस इज प्लस, प्लस डिवाइड बाय माइनस इज माइनस, एंड माइनस डिवाइड बाय प्लस इज माइनस. नाउ एग्जाम्पल 6, डिवाइड माइनस 57 बाय 19. अब दोनों का डिफरेंट साइन है तो आंसर वुड बी नेगेटिव. और 57 को आप 19 से डिवाइड कर दो दैट इज माइनस 3. नाउ डिवाइड 57 बाय माइनस 19, अगेन साइंस डिफरेंट तो आंसर नेगेटिव आएगा दैट इज माइनस 3. नाउ माइनस 57 बाय माइनस 19, दोनों का साइन सेम है तो आंसर इज प्लस दैट इज प्लस 3. नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी डजेंट होल्ड गुड फॉर डिवीजन ऑफ इंटीजर. यानी अगर आप दो इंटीजर को डिवाइड करते हो तो वो ज़रूरी नहीं कि वो इंटीजर ही आए. लाइक 12 डिवाइड बाय 3, ओके इट्स एन इंटीजर. बट 7 डिवाइड बाय 3, नॉट एन इंटीजर. सो इट इज़ नॉट ट्रू कि दो इंटीजर अगर डिवाइड होंगे तो एक इंटीजर ही आएगा, वो फ्रैक्शन भी आ सकता है. नाउ कॉम्यूटेटिव. इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, ए डिवाइड बाय बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइड बाय ए. दिस इज अंडरस्टूड. 6 डिवाइड बाय 2 इज 3, बट 2 डिवाइड बाय 6 इज नॉट 3, इट इज 1 बाय 3. तो ये कॉम्यूटेटिव भी नहीं है, राइट. Now the next is like example they have shown us 4 divided by 2 is 2 but 2 divided by 4 is 1 by 2. So commutative property does not hold for division. Now associative property, aise hi same associative property hai. 3 integers hai, a divided by b divided by c is not equal to a divided by b divided by c. Okay, so this is not hold good for division of integer. Now property of 1, यानी किसी integer को अगर हम 1 से divide करेंगे तो answer would be same. A divide by 1 is A only. Minus 70 divide by 1 is minus 70. Now property of 0, when 0 is divided by any number, अगर हम 0 किसी number से divide करेंगे तो that is always 0. लेकिन हम किसी number को 0 से divide नहीं कर सकते. So 0 divided by any integer is always 0, right? So be sure division of integers by 0 is not defined. हम किसी भी integer को किसी भी number को 0 से divide नहीं कर सकते. Now concept highlights. The division of two positive integer or two negative integer gives a positive sign, give a positive quotient, okay. Then the division of a positive by a negative integer or the division of negative by a positive integer gives a negative quotient. अगर हम सेम साइन को डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा, अगर हम डिफरेंट साइन को डिवाइड करेंगे तो माइनस आएगा. Now exercise 1.3, like the first question, find the question A part 16 divided by minus 4. Very easy, minus 4, okay.
d part 0 divided by minus 8, that is 0 only. So you can try remaining parts. Similarly, second and third you can do on your own. Now use of brackets. Simplify 36 divided by 3 plus 4 into 3 minus 4. If you are given a problem like this, there are several ways in which you could solve the problem. If you did not follow a rule, let us see what kind of answer we get. Suppose हमारे पास कोई rule नहीं है, हम अपनी मर्जी से उसको solve कर सकते हैं. जैसे हमने इसमें क्या किया, 36 divided by 3 plus 4 into 3 minus 4. So, हमने पहले इसको divide कर दिया, 12 plus 4 into 3 minus 4. फिर हमने क्या किया, 12 plus 4 कर दिया, 16 into 3 minus 4. तो इसको हमने simplify कर दिया. ओके और हम इसको कैसे कर सकते हैं, हमने क्या किया, 36 डिवाइड बाय 3 है पहले, प्लस 4 इंटू 3 है, इसको हमने ऐसे सॉल्व कर दिया, 36 डिवाइड बाय 7 इंटू 3, यानी इस 3 और 4 को ऐड कर दिया. तो हम उसको अपनी मर्जी से करते जा रहे हैं, तो हमारे पास जो आंसर्स हैं ऑल आर डिफरेंट. ओके सो टू अवॉइड सो मैनी सोल्यूशंस टू द सेम प्रॉब्लम वी हैव टू फॉलो अ डेफिनेट रूल. अब एक ही प्रॉब्लम के इतने सारे सोल्यूशन हैं, दैट इज रॉन्ग. तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हमने कुछ रूल फॉलो करने हैं, सो दैट देर इज नो कन्फ्यूजन अबाउट विच आंसर इज करेक्ट. सो वी फॉलो द रूल दैट इफ देर आर टू और मोर ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन इन अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, द ऑर्डर इज बी ब्रैकेट डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बी डी एम ए एस, बी फॉर ब्रैकेट, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन. तो आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स भी हैं, थ्री काइंड्स. One is round, one is double or curly, and the other is square bracket. So, if two or more types of brackets are present in a problem, the order of working is first round and then curly and then square. सबसे पहले हमें round bracket solve करनी होती है, फिर curly and then square bracket. We also sometimes use another grouping symbol bar. एक और bar है, एक और bracket है, bar जिसको बोलते हैं. The term inside the bar are simplified before the brackets. तो सबसे पहले हमें bar को solve करना है, if it is in the question. Okay? So the order of operation is therefore as follow: bar, फिर round bracket, फिर curly and then square bracket. तो ये order हमें याद रखना है. Like examples, example 1, simplify. One question is given here, square bracket. 6 माइनस, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये टर्म्स हैं और बार भी है इसमें. तो अब हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, बार, यानी 3 माइनस 2. 3 माइनस 2 क्या बन जाएगा हमारा, 1. यानी ये टर्म्स ऐसी रहेगी, 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 2 डिवाइड बाय 1, बाकी साइन एज इट इज. अब हम क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा, 2. राउंड ब्रैकेट को हम रिमूव कर देंगे, तो कर्ली ब्रैकेट में 2 इंटू 4 माइनस 7. अब हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 7, ये क्या आएगा हमारा, 1. सो नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, 6 माइनस 1 प्लस 8 विद द स्क्वायर ब्रैकेट. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 14 माइनस 1, यानी आंसर इज 13. Now example 2, 20 minus square bracket and minus 15 plus curly bracket 4 divided by small bracket minus 1, then curly bracket minus 3 into 6, square bracket closed. तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट में माइनस 1 है और कर्ली ब्रैकेट में 4 डिवाइड बाय माइनस 1 है. राउंड ब्रैकेट में हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, हमने फिर क्या करना है, सिंपली यानी 4 को माइनस 1 से डिवाइड कर देना है. तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, माइनस 4. ओके तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस 4, देन यू कैन सॉल्व इट. सो आंसर इज 41, राइट.
like their exercise 1.4. Some question given over here. We can try these question. Like the second one, A part, 18 into minus 6 plus 4 divide by 9. So 18 into a bracket solve kar lo, bracket mein kya aayega? Minus 2. Okay? Right? So aapke paas yahan pe kya aajayega ye? Minus 36 divide by 9. Then you can solve it. Right? So like this, there are so many questions. You can go through these questions, any problem, then we can discuss it. Now, we are coming to MCQs. So here, take the correct option in each of the following. Like the first one, find the value of 7 minus absolute value of minus 3. So ye kya jayega aapke paas? 7 minus 3, yani 4. So answer is 4. Second question, what is the value of 4 minus minus 9? ये क्या बन जाएगा 4 plus 9 यानी 13. ओके, ऐसे ही आप थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हैं. नाउ सी फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मच मोर इज 17 फ्रॉम माइनस 3? 17 माइनस 3 से कितना ज़्यादा है? तो आप क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, दैट इज 20. ओके, देन द सिक्स्थ वन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ माइनस 2 एंड माइनस 1. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? प्लस 2. नाउ द सेवेंथ वन, माइनस 1 रेज पावर इवन. अगर कोई नेगेटिव की पावर इवन है तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव, यानी प्लस 1. सो आंसर इज बी. ओके, नाउ एट क्वेश्चन, बाय हाउ मच डज माइनस 3 एक्सीड माइनस 5? माइनस 3 माइनस 5 से कितना ज़्यादा है? तो जब भी हम ज़्यादा या कम की बात करेंगे तो हम डिफरेंस फाइंड करेंगे. माइनस 3 माइनस 5 से बड़ा है तो माइनस 3 में से माइनस 5 को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा? माइनस 3 प्लस 5, यानी दिस इज 2. सो आंसर इज बी. ओके, सिमिलरली नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस 3 टू गेट माइनस 9? माइनस 3 में से क्या माइनस करें कि हमारे पास माइनस 9 आ जाए? तो आप क्या करेंगे, माइनस 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 9, यानी माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 3, यह आएगा माइनस 6. तो एक्स क्या आ जाएगा हमारा? 6. ओके, एनी प्रॉब्लम? आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ द टेंथ वन, हाउ मच लेस देन माइनस 8 इज माइनस 3? माइनस 8 माइनस 3 से कितना छोटा है? तो आप क्या करेंगे, माइनस 3 में से माइनस 8 को माइनस कर देंगे. माइनस 3 प्लस 8, आंसर इज प्लस 5. ओके, ऐसे 11th क्वेश्चन है, इसमें ब्रैकेट्स हैं, बार है, राउंड है, कर्ली है, स्क्वायर है. तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? बार को. यहाँ पे क्या है? 1 माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा? 0. तो हमारे पास राउंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 ओनली. फिर हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1, फिर ये क्या बन जाएगा? 0. ओके, सो देन स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, 1 माइनस 0 यानी 1. सो देन 1 माइनस 1, दैट इज 0. ओके, नाउ द 12th क्वेश्चन, माइनस 8 डिवाइड बाय माइनस 2, व्हाट इज द वैल्यू? दो नेगेटिव नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो आंसर इज पॉजिटिव. 2 4 जा 8, आंसर इज प्लस 4. ओके, नाउ द 13, इंटीजर्स व्हिच इज नीदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव, जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो कौन सा होता है? 0. ऐसे कुछ लाइफ स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन गिवन, यू कैन ट्राई दीज वन ऑन योर ओन. ऐसे 16 क्वेश्चन, सब्जेक्ट इंटीग्रेशन, द टेम्परेचर ऑन मर्करी वेरीज फ्रॉम 43 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द डे टू माइनस 180 डिग्री सेल्सियस एट नाइट, व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर? यू कैन फाइंड द डिफरेंस. वन पजल इज गिवन, यू कैन ट्राई दीज वन on your own, like assertion and reasoning and technology integration given and knowledge exercise. So you can go through these.
I hope it's clear to you. Any problem, then we can discuss it later on. So thank you for watching this video. Stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care.